कृष्ण का जो पूरा दर्शन है वो है निष्कामता का। तो वही यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो तुमने सब वेदों में कर्मकांड पढ़ लिया है ना, अर्जुन, इसी से तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है, विक्षिप्त हो गए हो, और इन सब से हट करके जब तुम निष्कामता में आ जाओगे तब तुम योगी कहलाओगे। निष्कामता का मतलब होता है हमें मतलब ही नहीं बहुत दुनियादारी से, जिस एक चीज़ से मतलब है उसको हमने पकड़ लिया है, हीरा मिल गया है, गांठ में बांध लिया है, बाकी चीज़ें हमारे लिए बहुत पीछे की हो गई है। निष्कामता के केंद्र में प्रेम बैठा हुआ है, प्रेम, प्रेम साधना पड़ता है, प्रेम। अभी हमारा आपका क्या रिश्ता है? आप कुछ बात कहने आए हैं, मैं कुछ बात कह रहा हूं, और पिता बैठे और बेटा बैठे, तो इसमें इससे बहुत भिन्न क्या कुछ घटेगा? आपने कहा बेटे के मन में उम्मीदें हैं, मटेरियल एक्सपेक्टेशंस, वो कहीं से लेकर के आया है ना। अब पिता का क्या धर्म है? बच्चे के मन पर प्रभाव पड़ा है ना, वो कहीं से ये सीख करके आया है कि जीवन ऐसा होना चाहिए, उसमें ऐसे ऐसी सामग्री होनी चाहिए, भोग का सामान यहाँ से इकट्ठा करो, और पिता का काम है तुमको ये सब आपूरित करना, तो ये सब वो कहीं से सीख के आया है। अब पिता का क्या धर्म है? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या धर्म है पिता का? उन सारी सामग्रियों की आपूर्ति कर देना या है ना? और प्रेम किसमें है कि उसने मांगा और आप बाजार गए और खरीद के ले आए, या कि उसने मांगा तो आप उसके साथ बैठे, उसका समझा, उसके मन क्यों देखा, जीवन में क्या चल रहा है इस पर ध्यान दिया? प्रेम किसमें है? बाजार से मंगा देने में 2 मिनट नहीं लगते, और मन का रेचन करने में ऊर्जा भी लगती है, समय भी लगता है, नजदीकी भी लगती है। प्रेम कहाँ है? प्रेम कहाँ है मैं जानना चाहता हूं। और ऐसा नहीं कि आपका काम एक बार बातचीत के उपरांत पूरा हो जाना है, वो इसी दुनिया में जी रहा है, वो बाहर जाएगा फिर से दाग धब्बे लेके आएगा, आपको फिर छुड़ाने पड़ेंगे, और फिर धीरे धीरे उसमें एक परिपक्वता आएगी जिसके बाद अंततः आवश्यकता बहुत कम रह जाएगी कि वो किसी और पर आश्रित रहे। अब आपकी उसकी मित्रता एक नया रंग लेगी, और ये सब कुछ बहुत खूबसूरत है। अब आप बच्चे के साथ साथ खुद भी बड़े हुए हैं, आप समझ रहे हैं बात को? जैसे जैसे वो परिपक्व होता गया है वैसे वैसे आपके भीतर भी कुछ खिलता गया है। अब इसमें ज्यादा सुंदरता है या इसमें ज्यादा सुंदरता है कि मैं उसके लिए एक नया वीडियो गेम ले आया, या कि उसको मैंने बाइक खरीद करके दे दी या कुछ और? मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि आप उसे कुछ भी खरीद के ना दें, कोई आपके साथ होता है, आपका फर्ज है उसकी भौतिक आवश्यकताओं का भी ख्याल रखें, पर आवश्यकता क्या मूलतः भौतिक होती है? उसको आपने कपड़ा, रोटी और ये सब खरीद के दे दिया, बात खत्म। मैं कह रहा हूं आप लोग अव्यवस्था से डरे मत, मन जरा
पक्का करें और उपद्रव में कूदने की क्षमता रखें। आप अगर लड़ाई से यही सोच सोच के कन्नी काटते रहेंगे कि ये तो अशांति है, तो फिर मन के रास्ते सीधे होते हैं। जो कुछ सीधा होता है वो टेढ़े टेढ़े से वैसे भी मेल नहीं खाता, नहीं खाता ना। दुनिया के रास्ते अगर टेढ़े टेढ़े हैं तो मन का सीधापन उससे मेल नहीं खाएगा। ये सरल है, वो वक्र है, अपने आप आपको कहीं ना कहीं कंफ्लिक्ट में आना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? टकराव होकर के रहेगा, और अगर आप टकराव से डरते हैं तो आप अपने लिए घोर अशांति का आयोजन कर रहे हैं। जो उपद्रव से डरते हो उन्होंने अपने लिए उपद्रव ही आयोजित कर लिया है। उपद्रव की तो मांग करिए, उपद्रव की मांग आप तभी कर सकते हैं जब आप गहरी शांति में केंद्रित हो, नहीं तो कैसे कर पाएंगे? ये हमारे बोधि ऋषि बैठे हैं, ये गाना गाते हैं उपद्रव को आमंत्रण देते हुए। प्लीज सिंग योर फेवरेट सॉन्ग। दर्देश्क जाग, दर्देश्क जाग, दिल को बेकरार कर, छेड़ दे आंसुओं का राग, जाग जाग जाग, दर्देश्क जाग, जागो दर्देश्क जागो, दिल को बेकरार कर। Only when you are so secure, you can ask for pain. Only when you are totally, you're talking of insurance, right? Only when you are totally insured against pain, you're totally insured against pain. No pain can be too much on me. Now you can ask for pain. Now you can ask for pain. You are not afraid that if pain comes, then you will budge or relent. Are you getting it? If you are insistent on maintaining external peace, it only means you have no peace because you are insecure about peace. The one who has peace dives headlong into disturbances. He knows no disturbance can be too heavy on him. So let me invite disturbances.